हाल बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही निंदनीय बात कर रहा है। वो CAA को अटैक कर रहा है और CAA हमारे देश में, जो हमारे आसपास के 3 देशों से धार्मिक प्रताड़ना के कर हमारे देश में आ गए, उनको कोई अधिकार नहीं था। उनको सरकार ने अधिकार दिया है, उनको जीने का अधिकार दिया है, अपने बच्चों का पालन पोषण करने का अधिकार दिया है, वो नौकरियां कर सके अधिकार दिया है। अब इनको तो कोई भी अच्छा काम करो, इनको तकलीफ होती है। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि जिस चीज़ पर ये प्रतिक्रिया दें तो मैं समझता हूँ कि अच्छा काम हुआ, क्योंकि इन्होंने तो अच्छे की कर रही है, ये बैरोमीटर हमारा। हाँ, तो अच्छी बात है, खुशी मनानी चाहिए इसकी। तो जो मोदी जी हैं वो लोगों की आम जो नब्ज है उसको पहचानते हैं और कब क्या चाहिए वो करते हैं। लेकिन विपक्ष के बाद ओ चलो ऐसे बोलना, कुछ बोल ली जाओ। विपक्ष तो ये भी कह देगा कि भी सबको फ्री पेट्रोल दे दो तो दे देंगे, फ्री डीजल दे दो तो दे देंगे। विपक्ष के कहने का क्या? ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी जिससे देश को निजात दिलाना बहुत जरूरी था। सारा साल इलेक्शन होते रहते हैं, कभी कोई होता रहता है, कभी कोई होता रहता है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाते हैं, कई कई महीने कोई काम नहीं कर पाते हैं, और खर्चा भी तो कितना होता है। तो अगर ये पूर्व राष्ट्रपति जी के तहत जो कमेटी बनी हुई थी, उन्होंने काफ़ी एक्सरसाइज करके ये एक फार्मूला बनाया है और राष्ट्रपति जी को पेश किया है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन, एक ही वोटर लिस्ट। आप देखो ये कितनी बचत का, देश की बचत का, पैसे की बचत का ये कदम उठाया है, और बहुत अच्छा कदम है। हर आदमी को इसका स्वागत करना चाहिए, मैं अपने दिल से इसका स्वागत करता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।